खबर प्रतापगढ़ जिले के हथगुआ इलाके से है, जहां लगभग दो महीने से जानलेवा हमले के तीन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। हथगुआ थाना क्षेत्र के सोनाई कपूरवा बेती गांव निवासी दिलीप यादव 4 जुलाई को अपने घर पर बैठा था, तभी पड़ोस के रामराज धुन्नीलाल और छोटे लाल पहुंचे और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में दिलीप के सिर पर गंभीर चोटें आई और वो बेहोश हो गया। घर वाले दौड़े तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। गंभीर घायल दिलीप यादव को SRN प्रयागराज में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिन बाद वो होश में आया। दिलीप के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन घटना के लगभग दो महीने बीतने के बाद भी दबंगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी खुलेआम घूमकर पीड़ित को धमका रहे हैं, ऐसी लचर पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़ा करती है। वहीं सूत्रों की माने तो पूरे मामले में हल्का दरोगा की भूमिका संदिग्ध है। क्या नाम है आपको? दिलीप यादव। पिताजी का नाम स्वर्गीय केदारनाथ यादव। मैं सोनाई कपूरवा बेती का रहने वाला हूँ। थाना हथगवा मेरा लगता है। गांव के ही रामराज यादव, छोटे लाल, धुन्नी लाल ने लाठी डंडो धारदार हथियार से मेरे ऊपर सर पर हमला किए। मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मैं थाने में गया रिपोर्ट लिखाने। थाना अध्यक्ष ने आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। मुकदमा दर्ज हो गया है। 109 नई धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लोग मेरे को बराबर धमकी दे रहे हैं। आए दिन शाम को कट्टा से फायर करके हमको धमकाते हैं। कुंडा के लिए मैं आता हूं तो मेरा पीछा करते हैं। सोचते हैं घर पर ही पड़ा रहे, कहीं जाए ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घबरा गया हूँ। पूरा घर, मेरा परिवार बहुत परेशान है। थाना अध्यक्ष मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।